टाइगर हिल पर 24 साल पहले पताका लहराया गया था। टाइगर हिल पर विजय पताका फहराने के लिए 36 घंटे के ऑपरेशन में 18 ग्रेनेडियर के 9 जवान शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में साहस के लिए 18 ग्रेनेडियर को 52 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 18 ग्रेनेडियर का नेतृत्व करने वाले तत्कालीन कर्नल खुशहाल ठाकुर को युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया है। खुशहाल ठाकुर ने बताया कि टाइगर हिल की लड़ाई बहुत कठिन थी, दुश्मन चोटी पर था और छिपने के लिए एक घास का तिनका तक नहीं था। इस हिल में जो कि 16,000 से 18,000 फीट की हाइट पर है और जो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से चलकर कारगिल और लेह की तरफ जाता है उसको बाधित कर रखा था हमारे सेना के साजो सामान के लिए, सियाचिन को अलग से अलग थलग कर रखा था और कश्मीर को मुद्दे को जो है उछाला गया था। ये पाकिस्तान का मकसद था, तो इसलिए ज़रूरी था कि सबसे पहले जो हमारा ये जो मोर्चाबंदी है टाइगर हिल की ये हटाई जाए। जैसे मैंने कहा 18,000 फीट की हाइट, -30 टेम्परेचर्स और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और छुपने के लिए एक भी घास का तिनका नहीं। और इससे पहले मेरे 25 जवान जो है तोलोलिंग की लड़ाई में शहीद हुए थे और उसके बावजूद भी मेरी यूनिट को ये टास्क दिया गया जो कि एक सेना के लिए या एक सैनिक के लिए हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। तो आज के दिन जो ये चढ़ाई थी और आपने सुना है जिसको परमवीर चक्र से नवाजा गया है ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, वो मेरे 18 ग्रेनेडियर्स का घातक प्लाटून का जवान था, उसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। और किस तरह वो बड़ी मुश्किल से रस्सियों के सहारे और जो हाई एल्टीट्यूड वॉर इक्विपमेंट होता है उसकी वजह से और टाइगर हिल के पीछे से जो खड़ी चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हुए और दुश्मन के आर्टिलरी मशीन गन रॉकेट लॉन्चर्स के फायर के बीच में वो आगे बढ़े और घायल होने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते रहे। और जो मशीन गन जो थी जो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान कर रही थी उसको उन्होंने ग्रेनेड के द्वारा बर्बाद किया। A moment in history recorded.